सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो राइट डाउन करना और मेरे को आंसर भी बताना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 200 mg of urea जिसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन जो आया है MSCET 2014 का क्वेश्चन है और ऑप्शन में है 0.0833, 0.825, 0.498, 0.0013। तो जल्दी फटाफट लिखना भी है और सोल्यूशन निकाल के मेरे को आंसर बताना। मिलीग्राम में और ग्राम में रिलेशन मालूम है ना, 1 मिलीग्राम में क्या होता है 10^-3 ग्राम। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, देखते हैं किसका स्पीड फास्ट है और टेस्ट भी हो जाए, लाइव टेस्ट। एक आंसर आया, दो आया वैष्णवी और नेहा चौगुले का, बिल्कुल करेक्ट है। साक्षी बिल्कुल करेक्ट है। चलो बताते हैं, मोलालिटी निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट कितना ग्राम है, 200 × 10^-3 ग्राम है गिवन मास। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 60 दिया गया है। मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास कितना है 40 ग्राम, इंटू क्या हो जाएगा 1000, ये ग्राम में है। इसको सोल्व कर देना है, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.0833, ऑप्शन नंबर 1।
बट यूजिंग मोलालिटी फॉर्मूला, मोलालिटी तो निकाल रहे हैं हमसे, क्वेश्चन में मोलालिटी तो पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सबको समझ में आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे टेस्ट तुम्हारा टाइमिंग टेस्ट करना था। इसका आंसर आया है किसका किसका? सबसे पहले आंसर भेजा है ये सृष्टि ने, उसके बाद आंसर आया है विशाल कोहली का, राहुल चौहान का, नेहा पहले भेजी है तो दो ऑप्शन भेजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 एट 0°C डेवलप्ड 1580 mm ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaCl2, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaCl2। इसका अगर आप ऑप्शन लिखना चाहते हो ऑप्शन लिख सकते हो। पहला ऑप्शन है 22.22%, 23.33%, 24.33% और चौथा है 25.25%। फाइव परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ केल्विन में लिया जाता है, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे।
किसको किसको कंसेप्ट मालूम चल गया कैसे बनेगा ये। फाइव परसेंट ऑफ एनहाइड्रस सोल्यूशन, ये मत सोचना कि 5% ये अल्फा है, ये 5% अल्फा नहीं है, 5% सोल्यूशन है CaCl2 का, और 0 डिग्री सेल्सियस पर 15 atm, 15 है ना, 15 atm ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहा है। तो ये मत सोचना कि 5% जो है, हाँ पहले आई निकालेंगे फिर अल्फा निकालेंगे, बिल्कुल विशाल कोहली, पहले आई निकालेंगे फिर हम अल्फा निकालेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, ये मत सोच लेना कि अल्फा ही है, अल्फा तुम्हें निकालना है, अल्फा ही निकालना है। तो अल्फा के लिए तुम्हें आई की जरूरत पड़ेगा, आई इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। अब तुम्हारे को जब अल्फा निकालना है तो आई तुम्हारे पास नहीं है, अब आई तुम कहां से लेके आओगे। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, किसका आंसर है, नेहा चौगुले का, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर आई निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे आई, आई निकालने का तरीका क्या है। तो हमसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 5% ऑफ एनहाइड्रस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है 5%, ये नहीं कि 5% डिसोसिएट हुआ, वो नहीं है, 5% को एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एट 0 डिग्री सेल्सियस 15 atm वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो हमसे क्वेश्चन में दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये 15 atm है। तो ये सोचना है कि 15 atm जो गिवेन है क्वेश्चन में वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है क्योंकि ये गिवन है। लेकिन अब हमें आई निकालना है, आई सम अल्फा के पास पहुंचेंगे, बरोबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो गिवन है वो सोचना कि एक्सपेरिमेंटल है यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। अब हमें आई निकालेंगे, आई निकालने के बाद तब अल्फा के पास पहुंचेंगे। आई निकालने के लिए हम जानते हैं कि ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन क्या होता है, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं आई यानी वेंटा फैक्टर, ठीक है। देखना है कि कैसे पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं। देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है अल्फा, अल्फा निकालने के लिए हमें आई चाहिए, दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। तीसरा आई निकालने के लिए थोड़ा सा हमने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात रहा यहां से कि एक्सपेरिमेंटल तो हमें मालूम है, थ्योरेटिकल कैसे निकाले। तो हम थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर में हम निकालेंगे पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT, इसमें हम वेंटा फैक्टर आई नहीं लिखेंगे, पाई इक्वल टू CRT, ये जो हम निकालते हैं ये अपना नोटबुक वाला जो उसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल। अब यहां पर कंसंट्रेशन 5% सॉल्यूशन है, 5% सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं इधर कहीं साइड में निकाल दूं कि कंसंट्रेशन क्या होगा, तो 5% का मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम CaCl2 है, कितना ml में, 100 ml में,
क्योंकि हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो ml ही लेना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो 5 अपॉन CaCl2 का मोलर मास हो जाएगा 111 अपॉन 100। और ये मतलब मोलारिटी निकाल रहे हैं हम, इंटू 1000, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मोल अपॉन वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम को हमने ml में लिया। ये अगर थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देंगे हम, तो यहां ध्यान देना, पहले इस पॉइंट पे ध्यान दो, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। 5 ग्राम CaCl2 है 100 ml में, ये हमने यहां से मीनिंग निकाला। 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये मान लो वेट बाय वॉल्यूम है, तो मीनिंग क्या निकालोगे, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये हम मीनिंग निकालेंगे ना। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा पहले टारगेट होगा, तो हम कंसंट्रेशन निकाल ले, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, या मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल कितना है, तो 5 ग्राम गिवन मास है, और मोलर मास कितना होगा, 111, तो 5 अपॉन 111, तो ये आ गया मोल, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो डिवाइड बाई 100, ये ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन ये आया 0.450, ये हमारा कंसंट्रेशन का अलग वाला पार्ट है, ठीक है। फिर से एक बार समझो, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए I इक्वल टू 1+N-1 अल्फा हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें I नहीं दिया गया है, तो हम I के सर्च कर रहे हैं कि I कैसे निकलेगा, एंटा फैक्टर कैसे निकले, अगर ये निकल जाएगा तो हम आसानी से निकाल देंगे। तो I निकालने के लिए हम पहला स्टेप पे गए कि जो ये 15 ATM दे रखा है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, और हम जानते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो ये हमें मालूम है, अगर ये मालूम चल गया तो आई मालूम चल जाएगा। अब जब हम थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने गए तो पाई इक्वल टू लिखेंगे CIT, इसमें हम आई का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल में नॉर्मली अगर हम निकालते हैं तो आई का डिस्कशन नहीं कर रहे हम, नहीं तो आई कर देंगे तो फिर तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों सेम आ जाएगा। अब इस केस में हमें C निकालना है, कंसंट्रेशन, अब C हमारे पास है नहीं, तो C हम निकालेंगे यहां से 5% ऑफ सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मीनिंग निकालो, यहां से हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो 5 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 100 ml, इसका मीनिंग हमने निकाला, ये हमारा टारगेट है कंसंट्रेशन निकालने का। कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो 5 ग्राम CaCl2 है तो 5 अपॉन मोलर मास, मोल आ गया, वॉल्यूम कितना है 100 ml, लीटर में बदल देंगे 1000 कर देंगे, ये हमारा आ गया 0.450। अब यहां पर हम पाई इक्वल टू लिखेंगे CIT, सी का वैल्यू वहां से ले लेंगे, R का वैल्यू 0.0821 पुट करेंगे, और टेम्परेचर 0 केल्विन है, सेल्सियस है, तो हम केल्विन में 273 पुट कर देंगे, यहां से हमारा आ गया 10.07। ये जो वैल्यू आया ये थ्योरेटिकल आया, तो हमारा एक्सपेरिमेंटल भी मिल गया और थ्योरेटिकल भी मिल गया। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, अब देखो थ्योरेटिकल कम आना भी चाहिए, तो हम वेंट ऑफ फैक्टर इसमें डिसोसिएट हो रहा है ना, तो दोनों को अगर वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आई आ जाएगा, तो आई अगर निकालना है तो 15 / 10.07 यानी 1.48 आ गया, मतलब 1.5 आ गया, ले लो 1.5 ले लेते हैं, 48 आ रहा है, 1.5 ले लेते हैं, तो हमारा आई मिल चुका है। अब आई मिल चुका है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर अब निकालना आसान हो जाएगा, कैसे, तो अब हम यहां जाएंगे, क्योंकि मेन हमारा टारगेट यही था आई निकालना, आई निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल चाहिए, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल चाहिए, एक्सपेरिमेंटल तो दिया था, थ्योरेटिकल नहीं था, जब थ्योरेटिकल निकाले गए तो कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं था, तो डायरेक्ट नहीं था तो उसको फिर हमने कंसंट्रेशन निकाला, मतलब एक एक स्टेप बढ़ते चले गए,
जब आई निकालने चले तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल चाहिए था, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल दिया है, थ्योरेटिकल हमें निकालना था। जब थ्योरेटिकल निकालने गए तो कंसंट्रेशन नहीं था, तो कंसंट्रेशन यहां से निकाल के लाए, फिर हमने वैल्यू पुट किया, फिर हमारा थ्योरेटिकल मिल गया, दोनों को फिर डिवाइड किया, आई हमारा मिल गया 1.5, एक से ज्यादा है यानी डिसोसिएट हो रहा है। तो हम यहाँ पर 1.5 इक्वल टू 1 प्लस, अब CaCl2 अगर टूटेगा तो कितने पार्ट में टूटेगा, तीन पार्ट में, तो 3 माइनस 1 और यहां लिखेंगे अल्फा, ये इधर जाएगा तो 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा, और ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 2, तो 0.5 अपॉन 2 ये 25% आ गया, 0.25, अगर परसेंटेज चाहिए तो 25% हो गया, 24.33 आएगा। थोड़ा सा यहां पर मैंने अप्रोक्स लिया है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा थोड़ा सा मैं यहां पर, ये एग्जैक्ट जो आंसर आएगा इसका वो 24.33 आएगा, थर्ड वाला आएगा, ज्यादा कैलकुलेशन पर नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा आज के जो इक्वेशन दिया थोड़ा ये अलग टाइप का है, मतलब ये लेवल थोड़ा बढ़ के है, आज थोड़ा लेवल बढ़ के भी करवाएंगे, क्योंकि अभी तक तुम इससे पहले क्या सीख रहे थे, आई निकालना जिसमें अल्फा दिया रहता था, तो केवल ये फॉर्मूला लगाते थे या निकल जाता था, कभी कभी अल्फा निकालते थे, आई दिया रहता था, लेकिन इसमें हमें अल्फा ही निकालना है, लेकिन आई डायरेक्टली नहीं दिया है, तो वेंटा फैक्टर दूसरा निकालने का हमारे पास तरीका है, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल करते हैं, या एक और तरीका से हम निकाल सकते हैं, वो भी तरीका मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसको भी तरीके से बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, पहले इसको नोट डाउन करो, एक तरीका से हम अगर मैं इतना नहीं एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल करूं तो मैं एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ये लिख लिए क्या तुमने, 1.48 लेने से आ जाएगा आंसर, तो थोड़ा समय 1.5 लिया था, यहाँ पर मैंने 1.48 के जगह 1.5 ले लिया था, इसीलिए वो थोड़ा सा आंसर बढ़ के आया, कंसेप्ट लेकिन सीखना है, ये लिख लिए तुम लोग, ओके। अब देखो मान लो हमें इन सब के झंझट में नहीं पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल इन सब के झंझट में नहीं पढ़ना है, हम सिंपल मेथड से एक और बता रहा हूं मैं कैसे बना देंगे इसको, दूसरा हम मेथड से बता रहा हूं मैं। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, तो पाई इक्वल टू हम लिखेंगे ICIT, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल और कोई, हाँ बिल्कुल राहुल चौहान सही बोला है, पाई इक्वल टू ICIT लगा देंगे, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल नहीं अगर झंझट में पढ़ना है तो डायरेक्ट ये लगाओ, पाई इक्वल टू ICIT, पाई का वैल्यू क्या दिया है 15 ATM है, ठीक है, आई हमें निकालना है, कंसंट्रेशन तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो बच नहीं पाओगे इससे, तो 0.450, आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 273, तो यहां आई हो जाएगा 15 अपॉन 0.450 इंटू 0.821 इंटू 273, देखते हैं आंसर 1.48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका, मतलब आंसर नहीं इसका कैलकुलेशन, तो 15 डिवाइडेड बाय 0.450 डिवाइडेड बाय 0.821 डिवाइडेड बाय
273 में कितना आ रहा था? 1.48 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो इस मेथड से थोड़ा तुम्हें आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन इतना 1.48 आ गया, मतलब यहां से भी आंसर आ सकता है। तो तुम्हें एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल के बातें पर नहीं जाना है, तो यहां से भी आई निकाल लो और इस आई का वैल्यू पुट करके इसमें लिख लो, ठीक है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा काम क्या करना था, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझो और इसी से बनाना। देखो कभी भी मान लो क्वेश्चन में आई नहीं दिया है, आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए ध्यान दो इधर, पहले आई निकालने के लिए अल्फा दिया जाएगा तब तो आई निकालोगे, अल्फा दिया जाएगा तब तो आई निकालोगे। दूसरा तरीका आई निकालने का कि पाई इक्वल टू आई सी आई टी, यहां से आई निकाल दो, या डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम, यहां से भी आई निकल जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, यहां से भी आई निकल जाएगा। तो एक तो आई अल्फा दिया जाएगा तब निकालोगे, और अल्फा नहीं दिया जाए तो यहां से भी डायरेक्ट आई तुम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू पे नहीं जाना है, तो तुम ऐसे डायरेक्ट निकालो, थोड़ा सा ये मतलब इजी लगेगा। कौन सा तरीका आसान है, फर्स्ट या सेकेंड? कौन सा मल्टीप्लाई होगा जितेश? डिवाइड होगा ना, इधर जाएगा तो आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें क्वेश्चन बनाते समय एनालिसिस भी करना है कि अल्फा है तभी आई निकलेगा या आई है तभी अल्फा निकलेगा। अगर क्वेश्चन में दोनों नहीं है तो हमें किसी को सर्च करके लाएंगे और अल्फा तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे ऐसे। अच्छा ऐसा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
ए सर्टेन सब्सटेंस ए प्राइमराइज इन द वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ए सॉल्यूशन ऑफ टू पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.3 डिग्री सेल्सियस द मोलर मास ऑफ ए इज ऑप्शन में है 122 31 244 62 टेट्रामेराइज है टेट्रामेराइज है सर्टेन सब्सटेंस इज टेट्रामेराइज इन द वाटर टू एक्सटेंट ऑफ 80% 80% है दिख रहा होगा ना टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ए सोल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट by 0.3 degree celsius molar mass of a kya hoga सानिया भंडारे का आंसर आया करेक्ट है वैष्णवी करेक्ट है जितेश गलत है अक्षत सही है नेहा चौगुले करेक्ट है चलो बनाते हैं टाइम हो गया अब ए सर्टेन सब्सटेंस ए इज टेट्रामेराइज यानी चार इसके मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बन जा रहा है
जब एक दो जुड़ता है तो डाइमर बोलते हैं, तीन जुड़ेगा तो ट्राइमर बोलेंगे, और चार जुड़ेगा तो टेट्रामर बोलेंगे। तो इस केस में हमें पहले आई निकालना होगा, आई इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, सॉरी वन अपॉन एन माइनस अल्फा। तो वन प्लस वन अपॉन एन, एन का वैल्यू पुट करेंगे चार, मैं तुम लोगों को बताया हूं डाइमर में दो लेना है, ट्राइमर में तीन लेना है, टेट्रामर में चार लेना है, माइनस वन। अल्फा है 0.80, 80% है तो हम 0.10 लेंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 20, सॉरी इंटू 0.80। तो ये हो जाएगा 0.20, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस, माइनस आएगा ना, ये वन माइनस 0.6 यानी 0.4। क्या सही निकाला मैंने, आई का वैल्यू 0.4 आएगा। आई का वैल्यू 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, ओके। अब आई निकाल दिया हमने, इतना ग्राम ए है, इतना ग्राम वाटर है, हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.3, ये लिख देंगे 0.3। आई का वैल्यू 0.4 है, के एफ का वैल्यू कहां दिया है इस क्वेश्चन में, तो के एफ दिया ही नहीं, तुम लोग निकाले कैसे हो। केफ जो है वाटर है, तो यहां पर केफ देना चाहिए, हालांकि वाटर का होता है 1.0, हालांकि कल मैं लिखवाया भी था 1.86 होता है वाटर के लिए, देना चाहिए था 1.86 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल कैसे निकालेंगे, 2.4 अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में है। अब यहां से हमें निकालना है, ये हो जाएगा 0.3 इक्वल टू 0.4 इंटू 1.86 इंटू 2.5, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 बचेगा इंटू 10, और नीचे हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 1.86 इंटू 2.5 इंटू 10 अपॉन 0.3। तो मैं थोड़ा इसको कैलकुलेट कर दूं, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 1.86 इंटू 2.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.3, तो 62 आ रहा है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 62 आ रहा है। वाटर का 1.86 होता है हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसको मेंशन करना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम बनाए हैं ना, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आना चाहिए कि अब नए टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आना चाहिए कि हमें उसमें दिमाग लगाया। अब हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बना लिए कि आई निकालो, आई का वैल्यू इसमें पुट करो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, बस कैलकुलेशन, कंसेप्ट नया नया आना चाहिए। अब ये ऑलरेडी कई इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवाए, ठीक है, इसके पहले वाला एक क्वेश्चन जो था वो नए टाइप का था, मतलब आई उसमें हम निकाल रहे थे। तो बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इस टाइप का हम यही करेंगे,
टाइप ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए कि ये टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे हम। हाँ, कैलकुलेशन के जहां तक बात रहा तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 342 एट 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस इसको बनाओ। ऑप्शन लिख सकते हो 5.35, 8.35, 10.35 और 12.35। विशाल कोहली का आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन टू साक्षी सानिया भंडारे, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर टू आएगा। कैसे निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? अच्छा, यहां लिखेंगे हम पाई इक्वल टू सी आई टी, आई नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आई के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा है। अच्छा, वैसे भी शुगर के केन शुगर है, ये पानी में डिसोसिएट नहीं होता, आई इसका बोल लिया जाता है। अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है। R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर इसमें 273 ऐड कर दो, 290 हो जाएगा। अब यहां से केवल हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो फिर समझाएंगे स्टाइचोमेट्री पे कंसंट्रेशन कैसे निकाले। 12% सॉल्यूशन है, केन सुगर है 12%। हम यहां ध्यान रखना वेट बाय वॉल्यूम लेंगे, यानी 12 ग्राम केन शुगर है और 100 ml क्या है सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग यही निकालेंगे ना कि 12 ग्राम केन शुगर है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 12% का मीनिंग यही निकालेंगे हम कि 12 ग्राम जो है वो केन शुगर है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। यहां से कंसंट्रेशन निकाल लो। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम या मोलारिटी निकाल दो। तो केन सुगर का मोल कितना हो जाएगा? 12 अपॉन, इसका मोलर मास होता है 342, अपॉन वॉल्यूम है 100 × 1000। ठीक है, यहां से थोड़ा कैलकुलेशन कर देंगे, 120 × 342, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 / 342।
कंसंट्रेशन हमारा निकल जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दूं, 120 डिवाइडेड बाई 342 तो आ जा रहा 0.35। ये आ गया कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 0.35 इंटू 0.0821 इंटू 290। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे 0.0821 इंटू 290, ये आ गया 8.35। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हमें सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में सीखने को मिला जैसे सीआईटी आर और टी का वैल्यू हम जानते हैं, कंसंट्रेशन अगर परसेंटेज में रहे तो अल्फा मत समझ बैठना, 12% सॉल्यूशन का मीनिंग निकालने आना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का, 12% सॉल्यूशन अगर दिया जाए तो मीनिंग वेट बाई वॉल्यूम से निकालना है कि 12 ग्राम शुगर केन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि परसेंटेज, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 5% दिया हुआ था, वहां मीनिंग निकाल के हम कंसंट्रेशन निकाले। अभी आगे क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दिया जाए तो इसमें गड़बड़ मत कर देना कि क्या होगा उसमें। बातें क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर तुम्हारा मैं ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड पे ही करवा दिया, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए मिक्सचर ऑफ volatile component A and B has total pressure P equal to 254 minus 119 XA, where XA is मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन मिक्सचर, हेंस पी ए एंड पी बी इन टॉर। ऑप्शन में है 254, 119, 134, 135, 254, 4 है 154 और 119।
नहीं, सृष्टि गलत है। आप करेक्ट हुआ। सृष्टि का सही है, ये कौन है, स्नेहा सानिया भंडारे का सही है, साक्षी का गलत है, नेहा टिंगले का सही है। देखो इसको मैं बना रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी दो वोलेटाइल कंपोनेंट है ए और बी। टोटल प्रेशर जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी टोटल लिखा हुआ है। एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन है ए का, तुम्हें याद होगा ये ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। यहां पर तुम्हें याद होगा एक्स ए, अगर मान लो 1 है, एक्स बी क्या होता है 0। अगर यहां एक्स ए 0 है तो एक्स बी क्या है 1 है, यानी एक्स ए और एक्स बी का सम क्या होना होना 1 होना। देखो दोनों का सम 1 है, दोनों का सम 1 है। अब हमें ये क्वेश्चन में दोनों का पी टोटल दिया है और हमसे प्योर फॉर्म में पूछ रहा है, प्योर फॉर्म में। पी ए और पी बी क्या होगा? अब ध्यान देना, अगर मैं मान लूं कि एक्स ए 0 है, यहां वाला कंडीशन में मान लूं, तो एक्स बी क्या होगा 1 होगा, यानी 100% वही होगा। यही बताया था ना मैं, एक्स ए अगर 0 है तो एक्स बी मतलब 100% है। तो अगर मैं इसमें एक्स ए 0 पुट कर दूं, मतलब एक्स ए है ही नहीं, तो जो भी प्रेशर आया 254, ये तो 0 हो जाएगा। ये किसका प्रेशर आया? पीबी का आया, तो पीबी का आ गया हमारा 134। 134, अब ध्यान देना, सॉरी 254 आ गया, ये पीबी का आया 254। अब हमें निकालना है पीए का, तो हम इसको लिखेंगे पी इक्वल टू 254 माइनस 119, और यहां लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए के जगह पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे, 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। अब यहां ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एक्स बी को 0 बना दूं, यानी 100% कौन है? ए है। तो अगर मैं 0 बनाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? 254 माइनस, और ये 119 माइनस ये 0 हो जाएगा। एक यहां मल्टीप्लाई होगा और एक यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 0 हो चुका है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 135। अब ये किसका प्रेशर आ जाएगा?
पीए का आ जाएगा, यानी ये यहां वाला पीए का आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन वाला जो ग्राफ वाला है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, जब ये जीरो होगा तो ये प्योर होगा, जब ये जीरो होगा तो ये प्योर होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमारे को कैसे मालूम चलेगा कि एक्स ए जीरो है? हमारे को पूछा है कि पीए निकालो और पीबी निकालो, यानी इसका अलग निकालो इसका अलग निकालो, तो हमें कंडीशन मानना पड़ेगा कि मान के चलते हैं कि एक्स ए है ही नहीं, तभी ना पीए निकालोगे। ये वाला कंडीशन दो मानना पड़ेगा। ये जो ग्राफ हमने बनवाया था, ये ग्राफ बनवाया था ना, तो ये हमें दो कंडीशन मानना पड़ेगा कि जब ये नहीं है तो ये प्योर है, और जब ये नहीं है तो ये प्योर है। देख लो यहाँ पे, ये हमें P टोटल दिया है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि PA यानी प्रेशर ऑफ A निकालो और प्रेशर ऑफ B निकालो प्योर फॉर्म में। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, तो मोल फ्रैक्शन A और B दोनों का कंपोनेंट है, दोनों का सम क्या होगा? वन होगा, ठीक है। अब यहां से ज़ूम करना पड़ेगा कि एक को हम जीरो मानते हैं, ये वाला कंडीशन, ये वाला एक को, अगर एक का मोल फ्रैक्शन जीरो है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन वन होगा, क्योंकि दूसरा तरीका है ही नहीं इसको निकालने का। तो एक का अगर जीरो माना हमने तो दूसरे का वन मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना? वन होना। अब यहां पर हम एक्स वन का वैल्यू पुट कर दे, जब हम एक्स वन का वैल्यू पुट करेंगे तो बी क्या निकलेगा? क्यों? क्योंकि बी यहां पर प्योर है, जिसका मोल फ्रैक्शन वन हुआ करेगा वो क्या होगा? प्योर ही होगा ना, इसके अलावा उसके सॉल्यूशन में कोई है भी नहीं, ये प्योर है। तो इस टोटल प्रेशर में हम एक्स ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा पी इक्वल टू 254, यानी ये प्रेशर किसका निकला? पीबी का, क्योंकि जब ये है ही नहीं तो टोटल प्रेशर किसके द्वारा एजर्ट किया गया होगा? बी के द्वारा, ये प्रेशर बी के द्वारा हो गया। हाँ, एक्स ए को वन भी ले सकते हैं, तो देखो यहां लिया है मैंने, दो कंडीशन लिया है, एक्स ए को वन भी ले सकते हैं, तो दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा ना, वन बाई वन, दोनों को, एक को जीरो मानना पड़ेगा तो दूसरा प्योर होगा, फिर दूसरे को जीरो मानेंगे तो पहला वाला प्योर हो जाएगा, एक को यहाँ जीरो मानेंगे तो दूसरा वाला प्योर हो जाएगा, और जब दूसरा वाला को जीरो मानेंगे तो पहला वाला प्योर हो जाएगा, दोनों को वन बाई वन हम जीरो मानेंगे। अब यहां पर सेकेंड केस में आओ, ये केस नंबर वन आ गया, इस पॉइंट वाला हो गया। अब इस पॉइंट पे आओ, ये हमें दिया गया है एक्स बी। अब देखो यहां पर हमने एक्स ए को जीरो माना, अब यहां पर हम एक्स बी को जीरो मानते हैं, जब एक्स बी को जीरो मानेंगे तो एक्स ए प्योर होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरा वाला है ही नहीं तो पहला वाला, और किसी का मोल फ्रैक्शन वन आया करेगा तो कम, इसका मतलब क्या निकला? कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहां पर हमने इसको जीरो माना, इसको वन माना, तो वन जब मानेंगे तो एक्स बी, अब यहां पर एक्स ए को वन, अच्छा यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वन माइनस एक्स बी तुम्हें लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, पी इक्वल टू लिख दो 254 माइनस 119 इंटू एक्स ए। अब एक्स ए क्या तुम यहाँ पकड़े हो? एक्स ए पकड़े हो वन, तो यहाँ वन पुट कर दो, ये अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इसमें दो मोल फ्रैक्शन में एक को जीरो मानना पड़ेगा तो दूसरा वन होगा, फिर दूसरे को जीरो मानेंगे तो पहला वाला वन होगा, इस तरह से सेपरेट सेपरेट निकालेंगे, फिर इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे पास, और यही इस ग्राफ से हमने उस दिन समझाया था। क्या बातें क्लियर हो गई? ओके, राइट डाउन कर लो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। उसी ने एग्जांपल में लिखवाया भी था हेप्टेन और ऑक्टेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हेप्टेन का हो जाएगा C7H16 और ये हो जाएगा C8H18। दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एट 373 केल्विन। दी वेपर, शॉर्ट में लिखा हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ दी टू लिक्विड आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन बार of a mixture of 25 gram heptane and 35 gram octane, 35 gram octane. ऐसा करो, तुम वेपर प्रेशर इन ए बार की वेपर प्रेशर निकालो, बार में नहीं, तुम इसी में निकालो, किलो पास्कल में निकालो। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड इतना किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन? कितना है? ऑप्शन भी दे दो क्या?
सही से करो कैलकुलेशन, कैलसीयूज कर सकते हो। एक का सही आंसर आया 9। में इतना कैलकुलेशन आ भी सकता था, वो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन ज्यादा होता है, तो यहाँ तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, या तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। मेन फोकस करो कॉन्सेप्ट पर। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। देखो हेप्टेन का इतना है, हम लिख देंगे कौन सा आप फॉर्मूला लगाएंगे, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट हेप्टेन सी सेवन S60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन C7 S60 प्लस पी नॉट C8 H18 मोल फ्रैक्शन ऑफ C8 H18। तो प्योर फॉर्म में इसका कितना है 105.2 इंटू, दोनों का तो पहले मोल निकालना पड़ेगा, मोल मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं। इसका मोल हो जाएगा 25 ग्राम है ना, तो ये हो जाएगा 84 और 16 100 यानी 0.25, और इसका मोल हो जाएगा 35/18 इसका आ जाएगा, सही है ना, 12/18। क्या जाएगा 35/114, ये 0.3 आ रहा है। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 0.25/0.25 प्लस 0.3 प्लस इसका कितना है
46.8 इंटू 0.3 अपॉन 0.25 प्लस 0.3, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे यहां से, 105.2 इंटू 0.25 अपॉन 0.55 प्लस 46.8 इंटू 0.3 अपॉन 0.55। अब ये हो जाएगा 105.2 इंटू 0.55, ये हो जाएगा 47.8 प्लस ये हो जाएगा 46.8 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.55, ये आ गया 25.5। तो 25.5 प्लस 47.8 ये आ गया 73.3 किलो पास्कल में। इसमें कैलकुलेशन तो ज्यादा नहीं था, बस मुझे तो यही लगा यहाँ पर थोड़ा है और एक यहाँ है, बाकी जगह कैलकुलेशन तो नहीं है। एक यहाँ है और एक यहाँ है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लिख लो इसको, ओके राइट डाउन कर लो। लिख लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट लिखना, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन of 0.001 molality K4 Fe CN6 is 7.10 into 10 to power minus 3 Kelvin. Determine the value of X
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नहीं लिखो, एन लिखो, एन एन कौन सा, आई इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, ये वाला एन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये वाला क्वेश्चन पहला वाला जैसा है, कैसे, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया है 7.10 × 10⁻³, आई नहीं मालूम है, के एफ दिया है 1.86 और मोलालिटी नहीं है ना, यहाँ मोलालिटी है 0.001, ये मोलालिटी है, तो यहां से आई निकल जाएगा। मैं आई डायरेक्ट लिखूं क्या, आई जो यहां से निकलेगा वो हो जाएगा 3.817 आएगा। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसका, आई का, आई का जब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा नहीं है, जब अल्फा नहीं है तो यहां पर हम बाय डिफॉल्ट अल्फा को 100% मानेंगे, क्योंकि अल्फा दिया नहीं है, बिना अल्फा का निकल नहीं सकता है। तो आई का वैल्यू कितना आया 3.817 इक्वल टू 1 प्लस एन का वैल्यू निकालना है माइनस 1, अल्फा 1 लेंगे क्योंकि दिया नहीं है क्वेश्चन में कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे ऐसे ही निकालेंगे, इधर आएगा 3.817 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1, आगे 2.817 इक्वल टू एन माइनस 1, ये इधर जाएगा तो एन इक्वल टू आ जाएगा 2.817 प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3.817, यानी लगभग 4 के आसपास आएगा आंसर। अच्छा अच्छा एक चीज मैंने गलत लिख दिया है क्वेश्चन में, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन वही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके।